पुरानी बाइक देखकर तू क्या समझा, घिसा पिटा टायर वेंट ब्लास्टर फ्लावर नहीं है, है वो दहकती हुई फायर। So guys, welcome back to another video with your favorite one and only Vent Blast White. बात करने वाले सेंसिटिविटी के बारे में। सेंसिटिविटी में मतलब यार इतने सारे क्वेश्चन मारे ना अपने फैक फैक से, मतलब क्या ही बताएं, मतलब क्या ही बताएं। आज की वीडियो में सेंसिटिविटी के बारे में बताने वाला हूँ, और ये वीडियो होने वाली है फुल जायरो प्लेयर के लिए, मतलब जायरोस्कोप वाले यूजर्स के लिए। उसके बाद बनाएंगे अपन नॉन जायरो के लिए, जो साउंड वगैरह से ड्रैग करते हैं ना। जो नेक्स्ट वीडियो है वो नॉन जायरो के लिए आने वाली है, तो भी रेडी, मतलब नॉन जायरो वाले से दिल छोटा नहीं करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं यार, मतलब बनाएंगे ना, क्या दिक्कत है, पूरा समझाएंगे। मतलब आपको अगर सेंसिटिविटी बनानी है तो आपको यार इधर जाना पड़ेगा सुनसान पर्वत पे। आप मुझे बताओ कि किस किस को याद है इस वाले पे। Marked a location. और हम इस सुनसान पर्वत पे जरूर जाएंगे और जरूर जाएंगे, यहाँ जाके हम अपनी सेंसिटिविटी बनाएंगे। तो मुझे यार कमेंट सेक्शन में बताओ अगर किसी को याद है तो सुनसान पर्वत कौन से कार्टून में था, मतलब कार्टून के किसी एपिसोड में था, उसका नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा। सो गाइस, हम फाइनली सुनसान पर्वत पे पहुंच चुके हैं, कल देखते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मेरी सेंसिटिविटी जो है वो एकदम बढ़िया है, और सब एकदम मलाई मक्खन की तरह सारे स्प्रेज है वो ओके जा रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि आपको क्या, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा सेंसिटिविटी बनाते कैसे है, वर्क कैसे करते हैं, सेंसिटिविटी पे काम कैसे करते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा अपनी पर्सनल सेंसिटिविटी, आपको शेयर करूंगा, कोड शेयर करूंगा। तो वीडियो से जाने का नहीं अभी, आपको अपने को देखने का, आराम से वीडियो को समझने का, वीडियो क्या है एक्चुअली। वीडियो देखो 6x और 4x सबसे ज़्यादा क्रूशल होता है, और बाकी आप छोटे स्कोप, मतलब 3x कितना ईजी होता है कैरी करना, 2x तो मेरे हिसाब से कोई चलाता भी नहीं है, और रेड डॉट तो बहुत ईजीली कोई भी कैरी कर लेता है। तो मेन जो इशू आता है वो एक्चुअली में 4x और 6x का आता है। तो हम 6x और 4x में थोड़ा सा ज़्यादा काम करेंगे, और बाकियों की मेरी सेंसिटिविटी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो सबसे पहले 6x पे काम करते हैं। देखो 6x की जो मेरी सेंसिटिविटी है, मैं आपको पहले अपनी दिखा देता हूँ। ओवरऑल सेंसिटिविटी कुछ इस तरीके से है, स्क्रीन की है, पहले सबसे पहले अपनी आ जाती है कैमरा सेंसिटिविटी एंड ऑल सारे ADS वीडियोज आ जाती है। तो मैं इसको शेयर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी नीचे फ्री कैमरा लुक वगैरह ये सब तो आपको पता ही होगा, बहुत नॉर्मल सी बेसिक चीज़ है। आज की वीडियो में थोड़ा सा हाई और एकदम एडवांस लेवल में थोड़ा सा जाएंगे, कोशिश करेंगे जायरोस्कोप से रिलेटेड। तो देखो मेरी जो थर्ड पर्सन की वो 400 है, वो फ्री लुक वाली ये वाली जो होती है 400 है, वो मेरे को पर्सनली काफ़ी सही लगती है ये सेंसिटिविटी 400 रखना। और दोनों मदी ADS और मतलब अपनी जो कैमरा दोनों 400 400 है, बाकी मेरी सारी आपको देखने को मिलेगी 350 कैमरा और ADS दोनों सारे स्कोप्स की 8x को छोड़ के 350 आपको देखने को मिल जाएगी। ये सेंसिटिविटी मेरे को एक्चुअल में बहुत सिंपल ईजी और परफेक्ट लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे अपने डिवाइस के साथ सेट करनी है। मेरा डिवाइस है रियलमी 2 प्रो, और ठीक है आपको समझ में आएगा, वो देखने को एकदम मिलेगा। देखो सबसे पहले आपको यहाँ खड़े होना है और कोशिश करनी है कि एक स्प्रे में कोई भी गाड़ी आपको ब्लास्ट करनी है, और स्टार्ट करनी है आपको छोटी गाड़ी से, ये तो मेरी ब्लास्ट की भी है, ठीक है। तो यही आपको एक चीज़ नोटिस करनी होती है, जब भी आप स्प्रे दे रहे होते हो ना, मैं पहले स्प्रे देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। देखो तो आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका स्प्रे है ना, एक तो वो ऊपर की साइड जाता है, और एक आपका स्प्रे होता है राइट और लेफ्ट हिलता है, तो आपको उन दोनों के बीच में, मतलब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच की जो वो मेन चीज़ है ना, उस कोऑर्डिनेशन को बिठाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे बिठाना पड़ेगा, मतलब जैसे अगर देखो सपोज़ अगर आपकी मेरी सेंसिटिविटी 6x की है, जैसे मेरी 6x की सेंसिटिविटी है इस टाइम 350, अब मैं इसको कम कर दूंगा, जैसे इसमें दिखा रखा है, मैं इस पे खेलता आ रहा हूँ, तो इसमें दिखा रहा है 142% डाउन और 155% अप, और 256, समझ रहे मेरी बात को, तो मैं यहाँ पे 250 कर लेता हूँ, 250 तो बहुत कम हो जाएगी, 300 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 50% मेरी डाउन हो चुकी है क्योंकि मेरी 350 थी। तो उसमें क्या होगा, देखो ये जो मेरी राइट और लेफ्ट वाली जो होती है ना एक्यूरेसी, वो थोड़ी कम हो जाएगी, वो थोड़ी शेकी कम हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ मुझे टिल्ट जो है अपने फ़ोन को ज़्यादा करना पड़ेगा पहले से ज़्यादा। अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझो ध्यान से, जैसे मैंने अभी देखो पूरा 6x है और अटैचमेंट कुछ भी नहीं है, अटैचमेंट ना लगाकर यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अटैचमेंट लगाने के बाद प्रोफाइन हो जाएंगे और भी स्प्रे, और बहुत एक्यूरेसी हो जाएगी। 6x को मैंने अभी 300 करी है, अब मेरा स्प्रे का रिकॉयल देखना, राइट लेफ्ट जो है वो कम हिलेगा बट ऊपर जो है वो ज़्यादा जाएगा, और उसके लिए मेरे को नीचे करना पड़ेगा, तो वो चीज़ मैटर करती है।
देख रहे हो गाइस, जो हॉरिजॉन्टली है वो थोड़ा सही जा रहा है और वर्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर सेंसिटिविटी में, वैसे तो मेरी सेट है बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे सपोज मेरा हॉरिजॉन्टली थोड़ी सी मतलब सही जा रही है और वर्टिकली जो है मेरी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो मैं डाउन करूँगा थोड़ा सा और 5% और डाउन कर देना है। 5%, 5% करके हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड नहीं सॉरी डाउन करेंगे एक्चुअली। डाउनलोड चला गया यार, हटो यार, तो मैं HD में डाउनलोड करवा दोगे कुछ फिर मूड ख़राब हो जाएगा और फिर काम ख़राब हो जाएगा ठीक है। तो आप देखना कि जो रिकॉयल है वो हॉरिजॉन्टली कम हो जाएगा और वर्टिकली बढ़ जाएगा, मतलब वो हमको कम करना था ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में आ जाएगा, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा 6S जैसे बड़े स्प्रे को अगर आप चलाते हो तो। वैसे तो मेरे हिसाब से आजकल सारे 3X ही कर देते हैं उसको शिफ्ट करके, बट 6S सीख लोगे तो बेटर रहेगा। 4X अच्छा चलाओगे और 3X तो ऐसा मक्खन चलाओगे ना कि अगर कोई बंदा यार मतलब हेड मारोगे और खिड़की से भी हल्का सा पीक भी ले रहा होगा ना ऐसे, मतलब हल्का सा एकदम मार के हटोगे ऐसे गए फट गए, बंदा नॉक है गारंटी। तो वो चीज़ अगर वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। 4X पे भी इसी तरीके से काम करना है। बाकी हम अपनी मेन सेंसिटिविटी पे आ जाते हैं, 300 350 इसको सेट कर देते हैं यार, बाद में दिक्कत होती है यार जब खेलते टाइम। जो मेरी सेंसिटिविटी भी यूज़ कर सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर थोड़ा हाथ बिठा लेना, सेट कर लेना। देखो 350 मेरे हिसाब से यार बहुत बेस्ट रहती है क्योंकि 400 बहुत ओवर हो जाती है और 300 मेरे हिसाब से कम है, पर 350 इज़ दी बेस्ट। अब देखो जो स्प्रेज में है वो एक्यूरेसी देखो, खड़े होके मारूंगा 6S पूरा है और नो पीक्स ठीक है। अब देखना फ़र्क देखना, वर्टिकली आपको कम चाहिए, को हॉरिजॉन्टली ज़्यादा करनी है तो फिर आपकी वर्टिकल भी बढ़ जाएगी उसके साथ साथ, समझ रहे हो मेरी बात को। मतलब यहाँ पे टपा टप और धमाधम में फ़र्क समझना सीखो। 4X का भी सेम सीन है, लेकिन 4X जो है वो 6S से काफ़ी बेटर चल जाता है, पूरा 6S चलाओगे तो। अब कुछ लोग क्या है 3X चलाते हैं फिर बोलते हैं ये देखो ठीक है, इसमें मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कुछ कमी है, वो एक्चुअल में मैं चलाता हूँ इसलिए, बट आपको ज़रूर चेक करना है कि आप कितना जा रहा है। एक मार्क लगाकर भी आप कर सकते हो ये काम, मार्क द व्हीकल, तो ज्यादा बुलेट्स जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। आप बेसिक सीखना चाहते हो तो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में करो प्रैक्टिस, इधर इधर की साइड। अगर आप मतलब एडवांस सीखना चाहते हो तो फिर सुमसान पर्वत आना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्टिकल रिकॉइल है वो थोड़ा ज़्यादा लेके मत चलो, कम लेके चलो अगर आप स्ट्रेट ज़्यादा स्प्रेस मारते हो, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट ज़्यादातर लोग स्ट्रेट स्प्रेस भी मारते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है चाहे वो स्ट्रेट स्प्रे मारना हो चाहे कुछ भी मारना हो वो मारेंगे पिक्स लेके, तो उसमें वर्टिकल थोड़ा सा डाउन चला जाता है, जो कि आप समझ रहे होगे मेरी बात को। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी 400 कर देंगे, तो आप देखना कि वर्टिकली कितना हिलेगा ये, कोई एक्यूरेसी नहीं है। और वहीं इसके अंदर मैं मान लूँ कि थोड़ा सा स्लो, 400 है ना, अब इसको 300 कर लेते हैं। 300 करने में देखो 100% कम दिखा रहा, जबकि मेरा 350 था, ये क्या बात है यार। मतलब जो होता है ऑलरेडी सेट करती थी मैकेनिज्म, इसका एकदम बढ़िया बनाया हुआ है। अब देखो है तो देखो 300 भी बेटर, तो अगर कम ट्रैक करना है कम झुकाना है वो आप पे डिपेंड करता है, 90 डिग्री के एंगल पे मारोगे या फिर 180 डिग्री के एंगल पे मारोगे, झुकाने पे बात होती है सारे। जितना आप झुकाओगे उतना आपको मतलब रिलीफ मिलेगा और उतना ही आपको मज़ा आएगा। स्प्रे के लिए कह रहा हूँ, तुम गलत मत जाओ, मुझे पता है। ये देखो इसमें मैंने ज़्यादा झुका के मारा, इसमें पूरा मैंने उठा दिया स्प्रे को और 180 डिग्री पर झुका दिया एंगल, कैमरा एंगल, समझ रहे हो। तो जो वर्टिकली बम सेट है वो इतना ज़्यादा शेकी नहीं होगा, राइट लेफ्ट नहीं जाएगा, तो यही सीन रहने वाला है। इसमें भी 4X और 3X तो बहुत मक्खन मलाई है। दिया वापस। आपको कोई हरा नहीं सकता अगर आपकी ये कवर्स अच्छी हो गई, साथ ही साथ आपके स्प्रेज एक्यूरेसीज के साथ। यार देखो मेरे स्प्रेस को थोड़ा सा जज मत करना प्लीज़, क्योंकि मैं ज़्यादा खेलता नहीं, मेरे पर टाइम नहीं होता इतना एक्चुअल में। मैं वीडियोस आपके लिए बताता हूँ और मुझे देखो नॉलेज है, लेकिन मैं उस नॉलेज को यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पर टाइम नहीं होता एक्चुअल में। देखो किसी शिष्य को अगर बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिष्य से बेस्ट है या शिष्य से कम है, उससे आगे जा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि गुरु बेकार है। मरम सीधा सीधा ये है कि मैं गुरु अच्छा हूँ, अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आपका भी कुछ ज़्यादा कुछ बढ़िया होने वाला नहीं है।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, समझ आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करो फटाफट सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया तो मिलता है ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। हाँ नेक्स्ट वीडियो बता रहा हूँ आपको बनाएंगे अपन नॉन जायरो के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, शाबाश, केयर।